नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। देखिए, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स थी वो 3-4 दिन पहले हमने कटिंग लगाई थी, इसमें से पूरी तरह से ख़राब हो गई है। इस प्लांट में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जब नर्सरी से लाते हैं हमेशा ख़राब हो जाता है, तो पहले ही हमें इसकी थोड़ी सी कटिंग ज़रूर लगा लेनी चाहिए, जैसे कि हमने लगाई थी। बहुत ही बढ़िया रहा, और दूसरी जगह जो कटिंग लगाई है वो अच्छी खासी चल रही है, बढ़िया अच्छे से अभी हरी है, कहीं से कोई गली भी नहीं है, और ये पूरी तरह से ख़राब हो गया। अगर नहीं लगाती तो ये पूरा ही ख़राब हो जाता। बस ये निकली हैं इसमें से, इनको भी मैं उसी में लगा दूंगी। देखिए, ये बिल्कुल अभी हरी भरी हैं और अच्छे से चल रही हैं। इसी तरह से पेपरोमिया का एक प्लांट जो मैं लेकर आई थी, देखिए ये भी इसी तरह से पूरा गल गया है, नीचे से गलना शुरू हो गया, लेकिन पूरी तरह से भी ख़राब नहीं हुआ है। इसकी पत्ती भी ग्रो हो जाती है, तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये बच जाए। इस प्लांट को हम पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, तो इसकी पत्तियाँ भी मैं रख लूँगी, और जो भी ये जितनी भी कटिंग्स निकली हैं वो सब भी मैंने पानी में डाल दी हैं ताकि जल्दी इनमें अच्छे से रूट्स बन जाएं, और फिर मैं अच्छी सी मिट्टी में इनको लगाऊंगी। और जो पत्तियाँ थी उनको भी अलग कर लिया है, उनको एक अलग बोतल में पानी में डाला है, कुछ दिन में पता चलेगा, रिज़ल्ट आपको दिखाती रहूँगी। और इस तरह से हम जाते हुए प्लांट को भी बचा सकते हैं। और ये पौधे महंगे भी आते हैं, ये सबसे महंगे पौधे आए थे दोनों, इन दोनों को इस तरह से अगर ये बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ। तो जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं, कोशिश करें कि उनकी कटिंग हम लगा लें जल्दी से, तो वो बच जाते हैं। तो अभी आज कई काम करने हैं, और आज काफ़ी देर हो गई है, सुबह से आज घर के बहुत सारे काम थे, तो आज थोड़ा लेट मैं इस अपने गार्डन के काम पर लगी हूँ। तो आज कई काम मुझे करने हैं। एक तो मेरे पुदीना छोटी बास्केट में लगा है, उसको आज बड़ी बास्केट में लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से फैल सके। इसके अलावा एक बास्केट और है मेरी, उसको भी आज शिफ्ट करना है। तो देखिए, इस तरह की बड़ी बास्केट मैंने ली है पुदीने लगाने के लिए, आसानी से ये कहीं भी मिल जाती हैं। इसके नीचे मैंने कॉटन का एक कपड़ा बिछा लिया है, एक तो इससे नमी बनी रहती है नीचे, मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, और दूसरा जैसे कि हम पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जल्दी से निकल भी जाता है। तो इसके नीचे बिछाने के लिए आप कोई भी कॉटन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी गहरी है, इसमें अच्छे से रूट्स फैलेंगी और पुदीना बहुत अच्छे से चलेगा। इस बास्केट में चल तो रहा है लेकिन इतने अच्छे से नहीं फैल रहा है जैसे चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी टाइट रहती है, रूट एकदम इसकी बिल्कुल बाउंड हो गई है, छोटी कम गहराई है इस बास्केट की, तो इसको बड़ी बास्केट में शिफ्ट करूँगी। इसके अलावा ये लिडेंड्रोन का एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, हैंगिंग प्लांट है ये, इसको बड़ी बास्केट में लगाना है ताकि और सुंदर लगे। दोस्तों, उस बास्केट के लिए मैंने सबसे पहले उसमें कंपोस्ट थोड़ा सा ले लिया है, और ये कंपोस्ट मेरा घर वाला ही है, उसमें से ही मैंने आज निकाला है, पहली बार अच्छे से बन गया है। और इसमें मैं कोकोपीट मिला रही हूँ, कोकोपीट और थोड़ा सा इसमें रेत मिलाऊंगी ताकि बास्केट हल्की रहे, कोकोपीट का ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, कोकोपीट, कंपोस्ट और सैंड, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके उसमें मैं इसको लगा लूँगी। देखिए दोस्तों, इसमें मैं सैंड मिक्स कर रही हूँ, और इसको भी मैं इसी में मिला लूँगी। पुदीने को मैं बास्केट में से निकाल रही हूँ, बहुत ही बुरी तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो इसमें फंस रही थी, पूरी बास्केट भी इसने ख़राब कर दी है ये, क्योंकि ये कोको फाइबर की बास्केट है, इसमें बिल्कुल आरम पार निकल गई थी इसकी जो जड़ें हैं। अच्छे से इसकी जड़ों को फैला के इसमें हम पुदीने को लगा देंगे अच्छे से। देखिए कितनी बुरी तरह से इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल फंस रही है जड़ों में इसकी। पुदीना एक बहुत ही अच्छा रहता है हमारे घर के लिए, अगर हम इसको मैं अब इंडोर ही रखूँगी, क्योंकि इंडोर मेरे 3 घंटे करीब धूप आती है वो इसके लिए काफ़ी रहेगी, ताकि यहीं से हम इसको तोड़ सकें जब भी मन करे। और काफ़ी बड़ी बास्केट है ये, इसमें अच्छे से फैलेगा, कितना भी हम यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी कोकोपीट, ताकि बिल्कुल इसके लेवल तक ये सारी फैल जाए।
इसमें से ही काट के कुछ कटिंग्स में लगा रही हूँ इसके चारों तरफ, ताकि जो बास्केट है ये बिल्कुल घनी हो जाए और जो भी इसमें ख़राब या सूखी हुई जो ब्रांचेस हैं वो सब मैं काट दूँगी। इसे पानी लगा के अच्छे से इसको मैं रख दूँगी एक तरफ। अभी मैं दूसरी बास्केट को लगाऊंगी, जो फिलोडेंड्रोन की ये बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट मेरे पास है, इसकी पान जैसी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। इसको मैं थोड़ी बड़ी बास्केट में लगा रही हूँ, ये गहरी भी है और इसमें अच्छे से चलेंगी। जब ये चल जाएगी अच्छे से तो इसमें से हम और भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगती है बिल्कुल उस तरह से इसकी चल जाती है कटिंग। तो ये बास्केट भी हमारी हो गई है तैयार। दोस्तों इन दोनों का काम तो हो गया है, पुदीने की भी हमारी तैयार हो गई है बास्केट और ये फिलोडेंड्रोन वाली भी। अब एक चीज़ और करनी है, मेरे पास एक जिग जैग का प्लांट है जो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, उसकी एक कटिंग मैंने लगाई थी वो भी अच्छे से चल गई है, लेकिन कुछ ग्रोथ कम हो रही है तो उसको मैं निकाल के देखूंगी। अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से उसको इसी तरह से उसकी कटिंग लगा दूंगी ताकि वो प्लांट ख़राब ना हो। उसके लिए मैंने अपने छोटे वाले गमले में मिट्टी भर ली है, क्योंकि छोटा सा ही प्लांट है, वो थोड़ी ही कटिंग्स हैं उसकी। देखिए दोस्तों, इसकी जो एक कटिंग मैंने इसमें लगाई थी उसमें एक रूट भी बन गई है, तो आराम से ये प्लांट कटिंग से चल जाता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, और देखिए जो नर्सरी वाले ने मुझे दी थी वो भी कटिंग ही थी। अब मैंने इसको निकाला है तो पता चला है और उसमें एक भी जड़ नहीं बन रही है, गल गई है नीचे से वो। तो उसमें से उसके चारों तरफ जो उसकी ब्रांच है उनको कट करके मैं कटिंग की तरह ही लगा लूँगी, ताकि ये प्लांट मेरा बचा रहे और उसकी कई कटिंग्स हम निकाल लेके लगा लेंगे तो अच्छे से ये चल भी जाएंगी। अगर उसी में लगी रहती तो ये सारा प्लांट ख़राब हो जाता, क्योंकि वो तो नीचे से गल रही थी। कभी कभी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, इस टाइप के जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको आप बीच में निकाल के चेक करके देखिए, अंदर से अगर गल रहे हों तो उसको कट करके वहाँ से फिर से आप उसकी कटिंग लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इन सब चीज़ों को समेटना है, जो भी यहाँ फैला है सब कुछ सब जगह पर रखना है, और मिट्टी का काम हो रहा है तो पूरा फैल ही जाता है सामान। फिर उसके बाद बालकनी में चलते हैं और देखते हैं। बालकनी में सुबह आज मैंने बस स्प्रे ही किया है, अभी पानी पानी कुछ भी नहीं दिया है, तो आज प्लांट्स थोड़ा परेशान होंगे। इंडोर प्लांट्स में तो बस एक दो में ही पानी देना है, उसके बाद बाहर ही ज़्यादा। आजकल धूप बहुत तेज़ निकल रही है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो प्लांट्स बहुत जल्दी सूख रहे हैं बाहर बालकनी में। देखिए दोस्तों, मेरी मधुमालती के जो फूल हैं वो बिल्कुल मुरझा रहे हैं, इसका मतलब है आज पानी सुबह नहीं दिया था, उसकी वजह से बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि इसके फूल तो बिल्कुल भी नहीं मुरझाते हैं। बिल्कुल आजकल डेली पानी चाहिए, बादल भी हैं लेकिन गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, तो डेली ही ज़्यादातर जो बाहर प्लांट्स हैं वो सूख जाते हैं। आज सुबह घर का बहुत काम था, इधर उधर बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए सुबह मैं नहीं आज पानी दे पाई थी, तो बिल्कुल मुरझा गए हैं उसके फूल। अभी मैं सबसे पहले पानी दूंगी जितने भी प्लांट्स मिट्टी जिनकी सूख रही है, थोड़ी देर में ये फूल बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुबह मैंने सब पर स्प्रे किया था, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं सूखी थी, वरना मैं सुबह ही दे देती पानी। आज तो बास्केट भी बिल्कुल सूख गई हैं।
सुबह मैंने देखा था तो तब इतने सूखे नहीं थे, कुछ भी किसी की भी मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं सूख रही थी। तो अच्छा है, प्लांट्स की मिट्टी सूखना भी थोड़ा अच्छा रहता है, बिल्कुल गीली गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, तो कभी कभार थोड़ा लेट भी हो जाता है तो अच्छा रहता है। देखिए जो केले के छिलके मैंने डाले थे बिल्कुल अब काले होकर सूख गए हैं, और आज मैं इसमें देखिए पानी दे रही हूँ गुड़हल के प्लांट में, 2 दिन में बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं ये। अब तो मैं अच्छे से सबको पानी दे दूंगी क्योंकि सभी सूख रहे हैं। दोस्तों जैसे रोज़ हम सुबह ही पानी देते हैं तो सुबह के टाइम तो मिट्टी काफ़ी गीली गीली लग रही थी, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है तो इस टाइम जैसे सब प्लांट्स थोड़ा सूख गए हैं, तो उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो प्लांट्स भी बहुत खुश होते हैं, बड़े अच्छे से देखे नीचे से पूरा पानी निकल जाए, इस तरह से आप पानी दे दीजिए तो मिट्टी बहुत अच्छे से पानी को सोखती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय सियाराम।